छतरपुर के पन्ना टाइगर रिजर्व के बीच बसे एक गांव में युवाओं की उम्र होने के बाद भी शादियां नहीं हो पा रही हैं। 8 महीने से रास्ता बंद होने से युवाओं से कोई भी अपनी बेटियां नहीं बिहाना चाहता। अब युवाओं को पन्ना टाइगर रिजर्व प्रबंधन से विस्थापन की आस है। पन्ना टाइगर रिजर्व के पेच में फंसे युवा आने जाने का रास्ता ना होने से परेशान, उम्र बीतने के बाद भी नहीं हो पा रही शादियां। टाइगर रिजर्व का रास्ता बना शादियों में रोड़ा। दो नदियों के बीच बसा गांव जहां नहीं होती शादियां। शादी के लिए विस्थापन की आस में बैठे युवा। छतरपुर से लगे बमीठा से गुजर रही श्यामरी नदी, जो आगे जाकर केन नदी में मिल जाती है, इसी के किनारे बसा है खरियानी गांव। दरअसल पन्ना टाइगर रिजर्व पन्ना के गर्भगृह में खरियानी के चारों ओर बाघों की शरण स्थली है, जहां आने जाने वाले पर्यटक दुर्गम घने जंगलों में घूमने जाते हैं, जहाँ का रास्ता कच्चा होने के साथ ही साल में 4 महीने ही खुला रहता है, बाकी के 8 महीने ग्रामीणों को नाव से आना जाना होता है। दरअसल खरियानी गांव में आने जाने वाला रास्ता साल भर में 4 महीने ही खुला होता है। बाघों के विचरण को देखते हुए इस रास्ते को पक्का नहीं बनाया जा सकता। वहीं ऊंची पहाड़ी पर स्थित होने के कारण ग्रामीणों को बारिश में नाव के सहारे आना जाना पड़ता है। इस गांव के विस्थापन का दायित्व पहले पन्ना टाइगर रिजर्व प्रबंधन के पास था, लेकिन केन बेतवा प्रोजेक्ट के अंतर्गत बनने वाले बांध के दायरे में आने से इन गांवों का आज तक न तो विस्थापन हो पाया और न ही गांव का पूरी तरह से विकास हो पाया। ऐसे में बमीठा जाने के लिए ग्रामीणों को जान जोखिम में डालकर 35 किलोमीटर का सफर तय करना होता है। यही कारण है कि इन डूब प्रभावित गांवों में कोई भी अपनी बेटियों का रिश्ता नहीं करता। गौरतलब है कि बारिश के समय गर्भवती महिलाओं को लाने ले जाने में ग्रामीणों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में अपनी बेटियों के भविष्य को देखते हुए परिजन इस गांव में अपनी बेटियां नहीं ब्याहते, जिसके चलते कई युवा आज भी कुंवारे हैं और केन बेतवा परियोजना के द्वारा गांव के विस्थापन की बाट जो रहे हैं। यहाँ के ऐसे देहात में देख कर के नहीं को अपनी बेटिया लड़कियां दे। यहाँ पे ऐसी कछु ना गाड़ी ना वाहन ना कुछ कछु की साधन नहीं है। अभी यही परेशानी है कि रोड नहीं है और अभी तो देख देत नहीं है, रोड के कारण देत नहीं है। सो इसे भी कुआरे हैं, कह देते होते नदी आ रही, बाढ़ आ रही, सो इसे भी इतने शादी से दे नहीं रहे। 50-60 से ज्यादा आदिवासिन में है, गड़ारियन में है, बाबा जुहन में है, लोहानन में है और भीमरनन में है, खबासनन में है, सब में है। मुआवजा के संबंध में जो चाहते कि जमीन की बल्दी हमको चाहिए, जमीन और मकान की बल्दी मकान चाहिए और पैकर भी चाहिए। ये कैसा पहले क्या वन विभाग वालों ने ऐसे दिया था का? हाँ, मैं दिया था ऐसा कि जमीन की बल्दी जमीन दी थी और घर मकान बना के देते और पैकेज भी दो तू। पन्ना टाइगर रिजर्व के दायरे में आने वाला खरियानी एक अकेला गांव नहीं है जहां शहनाइयों की गूंज नहीं सुनाई देती, बल्कि पन्ना टाइगर रिजर्व के क्षेत्र में 12 ऐसे गांव हैं जहां के युवा विवाह योग्य होने के बाद भी विस्थापन की राह तक रहे हैं। अब युवा केन बेतवा लिंक परियोजना की ओर से मिलने वाले मुआवजे और विस्थापन का इंतजार कर रहे हैं।